गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आ जाइए बुक के पेज नंबर 70 में एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 3 में। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। आपको चेक करना है कि ये जो आपकी एक इक्वेशन दी है एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू 4, उसके सॉल्यूशन ये जो नीचे दिए हैं ये होंगे कि नहीं। मैं फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आपको बताऊंगी, बाकी दो आपके लिए होमवर्क रहेंगे। चलिए देखते हैं कि एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू 4 के ये सॉल्यूशंस हैं कि नहीं। चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का। देखिए फर्स्ट है 0.2, इक्वेशन क्या है आपकी एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू 4। इस इक्वेशन में x इक्वल टू हम पुट करेंगे 0 एंड y इक्वल टू 2 पुट करेंगे। ये x होता है ये y, तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे एंड y की वैल्यू 2 पुट करेंगे इसमें। तो देखिए x माइनस टू वाई इक्वल टू 4, x की जगह 0 और y की जगह 2। तो 0 ये 2 टू 4 हो गया, लेकिन माइनस 4 है, 0 की कोई वैल्यू नहीं, मतलब नहीं है। तो माइनस 4 इक्वल टू 4, क्या दोनों इक्वल है? नहीं है। इसका मतलब x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2 सॉल्यूशन नहीं है इस इक्वेशन का। ठीक है, फर्स्ट नंबर हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम थर्ड नंबर में, चेक करेंगे 4.0, यानी x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 0 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ हम पुट करेंगे x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 0। ठीक है, किस में पुट करेंगे? इस इक्वेशन में x माइनस टू वाई इक्वल टू 4। ठीक है, x की जगह 4 लिखेंगे, 2 की जगह 2, 2 तो 2 है, y की जगह 0 इंटू इक्वल टू 4। तो देखिए 2 0 ज़ा 0, 4 में 0 माइनस करेंगे 4, ये 4, तो 4 इक्वल टू 4 आ गया, दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 0 सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। तो हम यहाँ लास्ट में लिख देंगे यस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर है आपका रूट टू 4√2, मतलब x की वैल्यू है यहाँ पे रूट टू एंड y की वैल्यू है 4√2। तो हम उसकी आप इक्वेशन में पुट करेंगे x की जगह रूट टू एंड y की जगह 4√2। तो इक्वेशन क्या है आपकी x माइनस टू वाई इक्वल टू 4। एक्स की जगह लिख दीजिए रूट टू माइनस टू इंटू वाई की जगह क्या लिखेंगे 4√2 इक्वल टू 4। रूट टू का 2 और 2 4 से कितना हो जाएगा 8√2। ठीक है, 1√2 में 8 मतलब 8 प्लस माइनस माइनस होगा, ये 8√2 है, ये 1√2 है, तो 8√2 में 1√2 माइनस करेंगे कितना बचेगा 7√2। ग्रेटर नंबर का साइन माइनस इक्वल टू 4, क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं? नहीं आ रहे, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं है। मतलब x इक्वल टू रूट टू एंड y इक्वल टू 4 इंटू रूट टू सॉल्यूशन नहीं है x माइनस टू वाई इक्वल टू 4 इक्वेशन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया है, 3 मैंने बता दिए हैं, 2 आपके लिए होमवर्क है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू k। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है अगर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 क्या है सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के 2x प्लस 3y इक्वल टू k। ठीक है, मतलब 2x प्लस 3y इक्वल टू k एक इक्वेशन दी है और इसके सॉल्यूशन दिए हुए हैं और हमें k की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया है कि k की वैल्यू फाइंड करिए कि क्या होगी। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करके k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाइए। देखिए आपकी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू k, तो हम इसमें पुट करेंगे x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। x इक्वल टू 2 पुट करेंगे एंड y इक्वल टू 1 पुट करेंगे। 2x प्लस 3y इक्वल टू k, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 2 प्लस 3 इंटू वाई, यानी 3 इंटू 1, वाई की वैल्यू है 1। तो 2 टू ज़ा 4 प्लस 3 वन ज़ा 3 इक्वल टू के, 4 में 3 प्लस करिए आ जाएगा 7 इक्वल टू के, यानी के इक्वल टू
7। तो आपकी के की वैल्यू कितनी आ गई, 7। क्या क्या मैंने इसमें देखिए, 2s प्लस 3y इक्वल टू के इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन है x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन में x की जगह 2 पुट किया, y की जगह 1 पुट किया, तो 2 2s 4, 3 1s 3, प्लस का साइन था लगा दिया, इक्वल टू के है, 4 में 3 प्लस किया तो 7, तो k इक्वल टू आ गया आपका 7। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपकी ओवर हो गई है, इसे आप घर में अच्छे से पढ़िएगा, बाद में आपको कोई मुझसे डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।